नमस्कार आप सभी का स्वागत है टीचिंग लर्निंग इंटरवेंशन फॉर इंक्लूसिव क्लासरूम में आइए इस समावेशी कक्षा के जरिए अपनी समझ के दायरे को और विस्तृत करते हैं मैं सृजन राजपूत आप सभी का स्वागत करती हूं एन के इस लाइव इंटरैक्टिव सेशन में आप हमें देख रहे हैं ई विद्या चैनल नंबर नौ पर आप मेरे साथ स्क्रीन पर साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर को देख रहे हैं अनुष्का मैं उनका भी स्वागत करती हूँ हम कक्षा नौ के बच्चों के लिए मैथेमेटिक्स के इस सत्र में आज जानेंगे टॉपिक चैप्टर वन आपकी मैथेमेटिक्स की टेक्स्ट बुक का नंबर सिस्टम तो आप सब ज़रूर बच्चों जानना चाहते होंगे नंबर सिस्टम क्या है अगर आपके मन में कोई प्रश्न है इस टॉपिक से जुड़ा तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारा फ़ोन नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है यह है डबल एट डबल ज़ीरो डबल फोर ज़ीरो डबल फाइव नाइन या फिर आप हमें मेल लिख सकते हैं डी टी एच डॉट क्लास नाइन एट द रेट सी आई ई टी डॉट एन आई सी डॉट आई एन पर तो आइए मैथ्स के इस विषय को हमारे एक्सपर्ट के साथ जानते हैं क्या है नंबर सिस्टम नवदीप पाठक सर हैं हमारे साथ टीजीटी स्पेशल एजुकेशन जीएसवीबी ब्रह्मपुरी दिल्ली स्कूल से सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सत्र में नमस्कार, नमस्कार। तो सर जो हमारा आज का मैथमेटिक्स का विषय है आज इंक्लूसिव क्लासरूम के लिए नंबर सिस्टम तो पहले तो यही जानना चाहेंगे कि नंबर सिस्टम क्या है बिल्कुल जैसे कि हम शुरुआत करते हैं चैप्टर वन क्लास नाइन्थ से चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम के बारे में हम बात करते हैं तो नंबर सिस्टम एक हमारा जो कलेक्शन है हमारे पास डिफाइन करते हैं कि ये सिस्टम है राइटिंग ऑफ एक्सप्रेसिंग नंबर सिस्टमेटिक वे में कुछ सिंबल्स होते हैं जो मोस्टली आपको नूमेरिक फॉर्म में मिलते हैं जिन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं कई मैथमेटिकल ऑपरेशंस के साथ एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के साथ में तो आइए हम इसका इंट्रोडक्शन के साथ साथ इसके में थोड़ी सी डेफिनेशन इसके बारे में हम देखते हैं और नंबर सिस्टम इज डिफाइंड एज अ सिस्टम ऑफ राइटिंग टू एक्सप्रेस नंबर इट इज़ अ मैथमेटिकल नोटेशन फॉर रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ ए गिवन सेट बाई यूजिंग डिजिट और अदर सिम्बल इन अ कंसिस्टेंट मैनर जैसे कि इस डेफिनेशन से क्लियर होता है कि हम जब इसके बारे में नंबर सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो ये डिफाइन करते हैं कि एक सिस्टमेटिक ऑर्डर के अंदर कुछ रिप्रेजेंटेशन सिंबल्स हैं जिन्हें हम न्यूमेरिक फॉर्म में बोलते हैं और इसके साथ साथ जो ये यूनिक रिप्रेजेंटेशन है एवरी नंबर की हुँ. उसे हम एर्थमेटिक और एलजेप्टिक स्ट्रक्चर के साथ साथ हम फिगर के साथ इसे पढ़ने की कोशिश करते हैं तो नंबर सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो हमें बेसिकली इसे फोर पार्ट में डिवाइड करा गया है जैसे कि बाइनरी नंबर सिस्टम हेक्साडेसिमल डेसीमल नंबर सिस्टम ऑक्टल डेसिमल सिस्टम एज वेल एज डेसिमल नंबर सिस्टम तो जब हम नंबर सिस्टम के बारे में हम इस चैप्टर में मेनली हम फोकस करेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में एज वेल एज थोड़ा कुछ पार्ट तक हम जो इसमें रियल नंबर्स के बारे में हम देखेंगे कि कैसे हम क्लासिफाई करते हैं नंबर सिस्टम को रियल नंबर के बारे में रेशनल नंबर के बारे में इंटीजर्स के बारे में हुँ. तो हमारा जैसे हम सबसे पहले हम देखेंगे कि जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर तो रियल नंबर को हम जो क्लासीफाई करते हैं टू पार्ट्स में फर्स्ट वन इज़ रेशनल नंबर एंड सेकेंड वन इज़ इरेशनल नंबर देन आप फर्दर आप डिवाइड करते हो रेशनल नंबर को टू पार्ट्स में दैट इज़ नॉन इंटीजर रेशनल नंबर एज वेल एज इंटीजर्स नंबर तो शुरुआत हम करते हैं सबसे पहले रियल नंबर्स के बारे में तो रियल नंबर इज़ अ पॉइंट जैसे कि हमने सबसे पहले इसके लिए एक टी भी प्रिपेयर करा है आपको जैसे हम दिखाना चाहेंगे कि जो ये नंबर लाइन है जिसे हमने जो है जो ऐसे हमारा प्रोग्राम है इंक्लूसिव इंटरवेंशन के रिगार्डिंग तो इंक्लूसिव क्लासरूम में हमने जो टीएलएम बनाया है इसका मेन फोकस या मेन एम है कि एक्सेस फॉर ऑल तो जैसे हमारे क्लास के अंदर सारे स्पेशल नीड या नॉर्मल या जनरल बच्चे भी हैं सारे जो है इसी एक टीएलएम की हेल्प से इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएं तो जो ये नंबर लाइन है जिसे हम दूसरे वर्ड में रियल नंबर लाइन भी बोलते हैं क्योंकि हर एक पॉइंट इसका जो यूनिक पॉइंट है वो रिप्रेजेंट करता है एक रियल नंबर को तो इसमें जैसे हम बात करते हैं सेंटर से हम बात करते हैं जैसे ये जीरो इसके सेंटर पर है और डेसिमल नंबर लाइन का हमने जैसे ये वन पॉइंट लिया है तो वन के पास में टेन फर्दर पार्ट में डिवाइड करा है जो एवरी पॉइंट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इन स्पेसिफिक रियल नंबर को जैसे हम बात करते हैं जीरो पॉइंट वन जीरो पॉइंट टू इसी को हम जो डेसिमल नंबर हम जो बात कर रहे हैं इसे हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं वन बाई टेन वन बाई टू बाई टेन दिस टाइप एंड सो ऑन तो जब हम नंबर लाइन की बात करते हैं तो नंबर लाइन पर एवरी पॉइंट जो रिप्रेजेंट करता है एक रियल रियल नंबर को इसीलिए नंबर लाइन को हम दूसरे वर्ड्स में हम नंबर लाइन को रियल लाइन भी बोला जाता है तो रियल नंबर्स की जब हम बात करते हैं तो हम फर्दर रियल नंबर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं दैट इज नंबर नंबर एज एज वेल तो क्लासिफिकेशन के साथ साथ हम हर नंबर्स के बारे में हम आपको क्लासीफाई करते हुए चलते हैं सबसे पहले हम जब बात करते हैं सबसे पहले हमने टाइप्स ऑफ नंबर में हम जब बात करते हैं सबसे पहले हम नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं नेचुरल नंबर्स आर दो नंबर विच आर काउंटेबल लाइक

होल नंबर तो इसको हमने रिप्रेजेंट करने के लिए इन सबको एक वेन डायग्राम की हेल्प से भी हम समझ सकते हैं कि कैसे कौन सा नंबर किस में कोइनसाइड कर रहा है जैसे हम मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि नेचुरल नंबर और होल नंबर के अंदर आप रिलेशन देखें नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम वन टू थ्री एंड होल नंबर आर स्टार्ट फ्रॉम जीरो वन टू थ्री देन एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर बट एवरी होल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर तो इस वेन वेंडाइग्राम की हेल्प से हम बच्चे को बता सकते हैं कि हर एक नेचुरल नंबर एक होल नंबर hmm. होता है क्योंकि होल नंबर आपके स्टार्ट होते हैं जीरो देन वन टू थ्री एंड सो सोवन देन हम आगे मूव करते हैं देन देट इज इंटीजर जब hmm. हम इंटीजर के बारे में बात करते हैं तो जितने भी नंबर लाइन पर हमारे जो और पॉइंट्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं पॉजिटिव एज वेल एज जीरो इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर तो पॉजिटिव नेगेटिव और ये जितने भी हम इंटीजर की जो बातें हम कर रहे हैं ये सारे इंटीजर भी हम इसी चैप्टर में आप आगे पढ़ने वाले हैं तो so, इंटीजर्स को जब हम फर्दर डिवाइड करेंगे दैट इज नेगेटिव नंबर एज वेल एज होल नंबर तो होल नंबर को फिर हम फर्दर डिवाइड करते हैं दैट इज जीरो एंड नेचुरल नंबर ओके दैट इज होल नंबर के बारे में हम बात करते हैं होल नंबर आर जीरो वन टू एंड सो वन जैसे कि हमने अभी बात करी थी ऐसे इंटीजर इंटीजर को हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फाबेट जेड से इंटीजर्स आर नंबर्स दैट इंक्लूड होल नंबर अलोंग विद नेगेटिव नंबर्स एंड इंटीजर इज अ नंबर फ्रॉम अ सेट ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग जीरो विच हैज़ नो डेसीमल और फ्रैक्शनल वैल्यू कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास इंटीजर्स के जैसे माइनस थ्री इज अगेटिव इंटीजर टू जीरो जीरो इज ए जीरो इंटीजर एज वेल एज फिफ्टीन एंड नाइन हंड्रेड समथिंग जेड जो सिंबल है इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर को देन नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट नंबर है हमारे रेशनल नंबर जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से और नंबर आर इज कॉल्ड नंबर इफ इट कैन बी रिटर्न इन फॉर्म ऑफ पी एंड क्यू वे पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो तो हम जब बात करते हैं रेशनल नंबर की तो रेशनल नंबर के अंदर जब हुँ. हम फ्रैक्शन की बात में करते हैं तो एक फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ आर इंटीजर्स जब हम हुँ. दोनों जैसे पी और क्यू है तो ये दोनों इंटीजर्स हैं एज वेल एज जो कंडीशन है इसमें क्यू ने नॉट इक्वल टू जीरो क्यू कभी जीरो नहीं होना चाहिए जैसे हमने पहला हमने एग्जाम्पल देखते हैं थ्री बाई फाइव थ्री भी एक पॉजिटिव इंटीजर है और फाइव भी एक पॉजिटिव इंटीजर है तो दोनों इंटीजर्स का जो फ्रैक्शनल फॉर्म है इज रिप्रेजेंट एज अ रेशनल नंबर देन हम मूव करते हैं रेशनल नंबर कैन बी नेगेटिव इट कैन बी माइनस थ्री बाई फाइव ये okay. भी पॉसिबल है क्योंकि माइनस थ्री ये भी आपस में एक इंटीजर है देन आगे हम मूव करते हैं इरेशनल नंबर तो इरेशनल नंबर वो नंबर जिन्हें हम पी वाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते वो सारे नंबर इरेशनल नंबर कहलाते हैं जैसे okay. कि हमारा एग्जाम्पल है रूट टू आगे हम जब डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बात करेंगे हुँ. तब भी हम देखेंगे कि डेसिमल एक्सपेंशन के अंदर कैसे हम रूट टू का डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे और उसे हम आगे रिप्रेजेंट कर पाएंगे कि ये कैस किस बेसिस पर इरेशनल नंबर है ठीक है तो कुछ एग्जाम्पल जैसे हमने इरेशनल नंबर के दे रखे हैं रूट है वन डॉट 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 रिप्रेजेंट करता है कि ये वो ये नंबर और सो ऑन आगे तक ये रिपीट हो नहीं होंगे कभी भी और आप देखेंगे डेसिमल प्लेसेस पे जो नंबर हैं 1 पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद जीरो है 1 है कोई भी नंबर आपका रिपीट नहीं हो रहा है ऐसे ही पाई है पाई का एक्सपेंशन भी आप देखें 3.144 डॉट 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 सो ऑन जब आगे मूव करता है वो कभी ना तो नेवर रिपीट करता है और ना नहीं, ही कभी भी वो जो है टर्मिनेट करते हैं तो जब हम डेसिमल एक्सपेंशन में जब बात करेंगे रेशनल और इरेशनल नंबर को तो उसके बेसिस पर भी अभी समझने की कोशिश करेंगे अभी हमारी जो मेन जो डेफिनेशन वो बताती है कि अगर हम किसी नंबर को पी वाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाते हैं तो वो नंबर एक रेशनल नंबर है पर कंडीशन है क्यू नेवर इक्वल टू जीरो कभी जीरो नहीं होना चाहिए क्यू आगे हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर की इरेशनल नंबर और नंबर में जब हम प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है नेगेटिव ऑफ ए इरेशनल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर जैसे अगर हमारे पास में कोई इरेशनल नंबर है रूट टू और इसको अगर हम माइनस के साथ में रिप्रेजेंट करें माइनस रूट टू तो ये भी आपस में ये भी एक तरह का इरेशनल नंबर कहलाएगा तो कोई भी अगर इरेशनल नंबर है रूट थ्री है रूट फाइव है इसका अगर हम नेगेटिव लेते हैं तो वो भी इरेशनल नंबर कहलाएगा सेकेंड प्रॉपर्टी इज़ Sum and difference of a rational and इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर जब भी हम सम करते हैं दो रेशनल इरेशनल नंबर का जैसे रूट टू में हम रूट टू को प्लस करते हैं या hmm. रूट टू में टू को प्लस करते हैं तब भी हमारे पास जो रिजल्ट आता है टू प्लस रूट टू इज इक्वल टू टू प्लस रूट टू जो hmm. ये एक हमें इरेशनल नंबर प्राप्त होता है ऐसी ही हम जब बात करते हैं डिफ्रेंस करते हैं हम किसी दो रेशनल और इरेशनल नंबर का तो रोशनल नंबर हम लेते हैं टू और इरेशनल नंबर लेते हैं रूट टू तब हम टू में से रूट टू को जब माइनस करते हैं तो जो हमें रिजल्ट मिलता है वो टू माइनस रूट टू इज आल्सो रिप्रेजेंटेड एज अ इरेशनल नंबर तो सेकंड प्रॉपर्टी आई होप आपको क्लियर होगी कि जी. जब भी हम सम और डिफरेंस करते हैं किसी रेशनल और इरेशनल नंबर का तो हमें हमेशा इरेशनल नंबर ही प्राप्त होता है जी सर कैन वी लोकेट इरेशनल नंबर लाइक रूट टू ऑन नंबर लाइन बिल्कुल जैसे हम बात करते हैं कि हम कैसे किसी नंबर को रिप्रेजेंट कर पाते हैं नंबर लाइन पर इसके लिए हमने जो है मोस्टली एक टीएलएम प्रिपेयर करा है जिससे हम आपको दिखाना चाहेंगे कि कैसे नंबर लाइन पर हम रूट टू को रिप्रेजेंट करेंगे सबसे पहले हम जब बात करते हैं कि जो रूट टू है एक इरेशनल नंबर है लेकिन ये एग्जिस्ट करता है आपके नेचर के अंदर उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जब हम पाइथोग थेरम की हेल्प से हम समझना चाहते हैं जब हम एक ट्राइंगल लेते हैं बी सी डी इस ट्राइंगल के अंदर जो हमारी साइड है जो बेस है सी डी इज़ वन यूनिट एंड सी बी इज़ वन यूनिट जब हम इन दोनों यू, यूनिट का जो है साइड्स का पाइथागोरस के थ्रू हम इसका हाइपटूनस फाइंड करते हैं दैट इस वैल्यू इज़ रूट टू तो आप देख पाएंगे कि रूट टू भी आपके नेचर में एक्जिस्ट करता है इसी बेसिस पर इसे ज़रूरत पड़ी कि हम कैसे हम दिखा पाएँ कि रूट टू जो है हम नंबर लाइन पर कहाँ पर कोइंसाइड करता है कहाँ पर लाई करता है तो इसके लिए हम सबसे पहले हम एक जो है नंबर लाइन लेंगे इसके लिए जो टी एल एम प्रिपेयर करा गया है वो टेक्टाइल टी एल एम प्रिपेयर करा है ताकि इसकी हेल्प से हम बच्चों को बता पाएं कि किस प्रकार से चाहे बच्चा विजुअली इम्पेयर्ड है या नॉर्मल बच्चा है वो भी इसकी हेल्प से समझ पाए जैसे सबसे पहले हम एक वन यूनिट का डिस्टेंस लेते हैं हम सेंटर डी से वन यूनिट देन आप इसके साथ ही वर्टिकली आप इसके साथ वन यूनिट का और डिस्टेंस लेते हैं और तब एक जो है जो ट्राइंगल फॉर्म होता है आ, जो ये राइट एंगल ट्राइंगल है इसका हम जब साइड निकालेंगे वो आएगी रूट टू तो जो साइड है डी बी इज़ रूट टू एंड इस बेस इज सी डी इज़ वन यूनिट एंड सी बी इज़ वन यूनिट इसकी हेल्प से जो हमारा जो रूट टू है हम कंपास की कंपास की हेल्प की हेल्प से इस बी डी की रेडियस के बेसिस पर हम इसे आर्क एक ड्रॉ करेंगे और ये आर्क जिस पॉइंट पर नंबर लाइन को कट करती है उस पॉइंट को हम रूट टू करेगा तो इस टीएलएम की हेल्प से हम समझ पाएंगे कि किस प्रकार से सबसे पहले हमें एक रूट टू जो है साइड ड्रॉ करनी है हमारे इसी नंबर लाइन पर और उस रूट टू रेडियस को लेकर एक कंपास से हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे नंबर लाइन पर और जिस पॉइंट पर वो नंबर लाइन को कट करती है वो पॉइंट हमारा रूट टू कहलाएगा तो इस टीएल से हम समझ पा रहे हैं कि जो हमने जो ये स्क्वायर ड्रॉ करा है ये डायगोनल है, 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 है हम इसमें हाइपोटो की की हेल्प से वन प्लस वन के जो है वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर इज रूट टू रूट टू आएगा उससे हम जो है इसको रेडियस मानकर एक आर्क ड्रॉ करके हम रूट टू को बता सकते हैं कैसे हम नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करता है रूट टू प्लाई करता है आगे हम फर्दर हम बात करते हैं जब हमारी जब बात करती है तो हम जब इनकी प्रॉपर्टीज से आगे जब हम मूव करते हैं तो मूव करने से पहले हम बात करेंगे कि रियल नंबर के अंदर कैसे हम जो है कोई भी रियल नंबर है उसे हम रिप्रेजेंट कर पाते हैं नंबर लाइन पर तो रियल नंबर जिसे हम आर से डिनोट करते हैं एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन इज़ अ रियल नंबर तो हर एक नंबर जो कि भी हम नंबर लाइन पर देखते हैं या रिप्रेजेंट कर पाते हैं वो रियल नंबर कहलाता है इट इंक्लूड बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर तो रियल नंबर दोनों रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों से मिलकर बना होता है एग्जाम्पल हैं रियल नंबर के जैसे माइनस फिफ्टीन थ्री पॉइंट वन फोर ट्वेंटी फाइव एंड सो ऑन तो ये जितने भी नंबर हैं हम इन्हें आपकी जो नंबर लाइन है या रियल लाइन है उस पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं और जो एवरी पॉइंट है उसका जो यूनिक पॉइंट है वो रिप्रेजेंट करेगा एक रियल नंबर को आगे हम बात करते हैं कि कैसे हम दो नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर को हम फाइंड करेंगे किसी भी दो नंबर के बीच में जो हमारे दो रेशनल नंबर हैं उनके बीच में अनलिमिटेड रेशनल नंबर पाए जाते हैं तो इसी के बेसिस पर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फाइंडिंग रेशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स तो इससे हम दो मेथड की हेल्प से सीखेंगे पहला जो मेथड है वह वो मेथड है मिड वैल्यू मेथड तो सबसे पहले हम जब बात करते हैं दो हम रेशनल नंबर लेते हैं एम और एन देन हम फार्मूला अप्लाई करेंगे मिड वैल्यू फॉर्मूला दैट इज़ एम प्लस एन बाई टू इस फॉर्मूले की हेल्प से हम किसी भी दो नंबर्स के बीच में हम अनलिमिटेड रेशनल नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं इसे समझने के लिए हमने एक एग्जाम्पल की भी हेल्प ली है जैसे एक एग्जाम्पल आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर दे रखा है फाइंड आउट अ रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन टू बाई सेवन एंड थ्री बाई फोर तो जैसे हम देख पा रहे हैं इसमें जो दो नंबर दे रखा है पहला रेशनल नंबर टू बाई सेवन है एंड द सेकेंड नंबर इज थ्री बाई फोर तो इसी फॉर्मूले इसी फॉर्मूले के बेसिस पर हम इसमें हम अप्लाई करते हैं तो हम देख पाएंगे कि जो रिक्वायर्ड हमारा जो पहला रेशनल नंबर है वो आएगा जब m की वैल्यू हम पुट करते हैं टू बाई सेवन फार्मूले में वन बाई टू टू बाई सेवन प्लस थ्री बाई फोर डिवाइडेड बाई टू तो टू बाई सेवन और थ्री बाई फोर का हम एल सी एम की हेल्प से फाइंड आउट करते हैं तो एल सी एम थ्री ओ फोर और सेवन जो डिनोमिनेटर हैं इसका एलसीएम ट्वेंटी एट आता है और इन दोनों फैक्ट दोनों फ्रैक्शनल को दोनों रेशनल नंबर को टू बाई सेवन और थ्री बाई फोर को हम जब ऐड करते हैं तो हमारा रिजल्ट आता है वो आता है ट्वेंटी नाइन बाई ट्वेंटी एट और जब ट्वेंटी नाइन बाई ट्वेंटी एट को हम टू से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो नंबर निकल कर आता है वो आता है ट्वेंटी नाइन बाई फिफ्टी सेवन फिफ्टी सिक्स तो ये एक

इसी के लिए हम निकालने के लिए दूसरा मेथड की भी बात करते हैं जिसकी हेल्प हम जो है एलसीएम की हेल्प से हम निकालते हैं दूसरा जो है फर्स्ट चेक द वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर अच्छा इस एलसीएम मेथड की जब हम बात करते हैं इसके अंदर हम जैसे हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे हम आ, तीन रेशनल नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं टू बाई एंड थ्री बाई के hmm. बीच में तो जब टू बाई सेवन और थ्री बाई सेवन फोर के बीच में हम जब थ्री रेशनल नंबर्स को हम फाइंड आउट करेंगे जी तो इनके बीच में हम देखते हैं इसमें आपके बार एल्सियम मेथड का यूज करना है हुँ. तो जो डिनोमिनेटर हैं आपके वो डिनोमिनेटर हैं सेवन एंड फोर तो इन दोनों का जब हम एल्सियम लेते हैं डिनोमिनेटर का तो रिजल्ट आता है ट्वेंटी एट देन आप देखेंगे कि जो ट्वेंटी एट है यही हमें जो है ट्वेंटी एट इससे डिनोमिनेटर को ट्वेंटी एट बनाना है तो हुँ. इसके लिए आप टू बाई सेवन जो हमारा पहला फ्रैक्शन है उसकी मल्टीप्लाई आप फोर बाई फोर से करेंगे सेकेंड जो हमारा रेशनल नंबर है थ्री बाई फोर उसकी मल्टीप्लाई क्योंकि डिनोमिनेटर में फोर है और वहां पर हमें डिनोमिनेटर में ट्वेंटी एट करना है तो उसके लिए हमें सेवन से मल्टीप्लाई करनी होगी तो थ्री बाई फोर की हम मल्टीप्लाई सेवन बाई सेवन से करेंगे जी. तो इस तरीके से जो पहला हमारा रेशनल नंबर है टू बाई सेवन उसकी मल्टीप्लाई जब हम फोर बाई फोर से करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो आएगा एट बाई ट्वेंटी एट एंड देन जो सेकेंड हमारा रेशनल नंबर था थ्री बाई फोर उसकी मल्टीप्लाई जब हमने सेवन बाई सेवन से करी तो उसका जो रिजल्ट आया वो आया ट्वेंटी वन बाई ट्वेंटी एट तो जो हमारे जो दो नंबर निकल के आए वो आए एट बाई ट्वेंटी एट एंड ट्वेंटी वन बाई ट्वेंटी एट तो इन दोनों नंबर्स के बीच में हम थ्री रेशनल नंबर्स को ईजिली इंक्रीमेंट ऑर्डर ऑफ न्यूमरेटर के बेसिस पर हम निकाल सकते हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि नाउ राइट दी नाउ राइट इन द इंक्रीमेंट ऑफ स्मॉल वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर जो स्मॉल वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर है दोनों रेशनल नंबर में वो है एट बाई ट्वेंटी एट तो इसके इंक्रीमेंट ऑर्डर में हम लिखेंगे एट बाई ट्वेंटी एट के बाद नाइन बाई ट्वेंटी एट टेन बाई ट्वेंटी एट एंड एलेवन बाई ट्वेंटी एट एंड द लास्ट रेशनल नंबर जो हमारा जिसके बीच में हम फाइंड आउट कर रहे थे दैट इज ट्वेंटी वन बाई ट्वेंटी एट तो हमने तीन रेशनल नंबर इन दोनों नंबर्स के बीच में निकाले उसके hmm. लिए हमने मैथड का जो यूज़ करा वो करा एल सी एम मैथड का तो आप दोनों मैथड में से किसी भी मैथड का मिड वैल्यू मैथड एज वेल एज एल सी एम मैथड में से दोनों का यूज करके आप hmm. किसी भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में अनलिमिटेड रेशनल नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं जी तो बच्चों आप देख रहे हैं टीचिंग लर्निंग इंटरवेंशन फॉर इंक्लूसिव क्लासरूम में इस खास कक्षा के माध्यम से कक्षा नौ के बच्चों के लिए हम मैथमेटिक्स के सत्र में जान रहे हैं हमारा आज का टॉपिक नंबर सिस्टम जिस तरह हमें नवनीत नवदीप सर ने बताया कि नंबर सिस्टम क्या है हमने उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा फिर उसके बाद रूट टू को कैसे हम नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं वो भी हमने जाना नंबर्स की क्या क्ल, क्ल, क्लासीफिकेशन है उसके हम कैसे बाँट सकते हैं किन भागों में बांट सकते हैं ये भी सर ने हमें बताया और अब बात हो रही है रैशनल नंबर्स की इ रैशनल नंबर की वहीं सर ने बताया कि इनके बीच के जो अगर आपको नंबर्स जो है अगर फाइंड करने हैं तो उसके लिए आप एल टेक्निक से भी कर सकते हैं और दूसरी टेक्निक के बारे में भी सर ने बताया तो अब नेक्स्ट सर से जानते हैं हमारे मैथेमेटिक्स के टॉपिक में अब हम आगे क्या जानने वाले हैं हम जैसे हमने अभी स्टार्टिंग में बात करी थी कि हम रेशनल और इेशनल नंबर को डेसिमल एक्सपेंशन के बेसिस पर भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि कैसे कोई नंबर को हम क्लासिफाई करेंगे एज अ रेशनल एज वेल एज एज अ इेशनल नंबर तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो यही है कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑन रियल नंबर तो द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर कैन बी क्लासिफाइड इन थ्री टाइप्स दे आर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स एंड थर्ड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग तो जैसे हम बात करते हैं सबसे पहला हमारा जो इसका टाइप है वो है टर्मिनेटिंग डेसिमल जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा होगा टर्मिनेटिंग वर्ड से है कि ऐसा नंबर जिसके अंदर डेसीमल के बाद नंबर स्टॉप हो जाए या टर्मिनेट हो जाए उस टाइप के हम जो डेसीमल एक्सपेंशन है उसे नाम देते हैं टर्मिनेट देसि, टर्मिनेटिंग डेसीमल्स आइए हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में द टर्मिनल द डेसीमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स और एंड आफ्टर फाइनेट नंबर ऑफ स्टेप्स इट मीन्स दैट आफ्टर द डेसीमल पॉइंट द नंबर कम टू एन एंड एट अ सर्टन पॉइंट जैसे कि एग्जाम्पल में दे रखा है वन बाई टू जब हम वन बाई टू को डेसीमल फॉर्म में हम रिप्रजेंट करते हैं तो हमें नंबर प्राप्त होता है जीरो पॉइंट फाइव तो ज़ीरो पॉइंट फाइव जो डेसीमल के बाद का जो टेंथ प्लेस है फाइव उसके बाद में आपको कोई भी नंबर प्राप्त नहीं होगा तो इसके बाद इसका मतलब है कि फाइव के पर आकर जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट हो गया है तो इस टाइप के नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल्स इसका आप और भी एग्जाम्पल दे ले सकते हैं जैसे कि हम बात करें कि थ्री बाई टू थ्री बाई टू को अब आप जब डिवाइड करेंगे तो आपको नंबर जो आपको मिलेगा वो मिलेगा वन पॉइंट फाइव तो ये भी एक तरह का टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का ही एग्जाम्पल है 1.5 आगे हम मूव करते हैं नेक्स्ट हमारा है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल जो हम मेन बात बताने वाले थे कि कोई भी अगर हमारा नंबर है जो टर्मिनेट डेसिमल्स को रिप्रेजेंट करता है या जिसका एक्सपेंशन टर्मिनेट्स डेसिमल्स में आता है वो नंबर ऑलवेज रेशनल नंबर कहलाते हैं जैसे वन बाई टू को हमने देखा या हमने एक और एग्जांपल लिया थ्री बाई टू दे बोथ आर रेशनल नंबर्स आगे बात करते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग एंड डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स की हम जब बात करते हैं तो ये ऐसे हैं जो ना तो कभी रुकते हैं डेसिमल एक्सपेंशन बट इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है रिपीट होता है आफ्टर डेसिमल पॉइंट जैसे इन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, द डेसिमल एक्सपेंशन डज नॉट कम टू एन एंड एंड इट हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट वे आर अर्टेन नंबर ऑफ डिजिट यूनिफॉर्मली रिपीट आफ्टर द डेसीमल पॉइंट जैसे hmm. कि हम देख पा रहे हैं एग्जाम्पल में कि वन पॉइंट फोर फाइव फोर फाइव फोर फाइव एंड सो ऑन तो ये जब आप डेसिमल के बाद देख पा रहे होगे तो जो डेसिमल के बाद में टेंथ और हंड्रेथ प्लेस पर जो ये दे रखा है फोर एंड फाइव ये बार बार रिपीट हो रहा है फोर फाइव फोर फाइव और ये सो so ऑन है आगे भी फोर फाइव फोर फाइव आता जा रहा है तो इसका मतलब है ये रिपीटिंग डेसिमल है एज वेल एज नॉन टर्मिनेटिंग है ना तो ये कभी रुक रहा है और साथ के साथ ये एक स्पेसिफिक जो पैटर्न है स्पेसिफिक नंबर है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं वन पॉइंट फोर फाइव फोर फाइव फोर फाइव हियर द डिजिट फोर फाइव कॉन्स्टेंटली रिपीट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट तो जो भी इस टाइप के जो नंबर है हमारे जैसे हमने बात करी ये भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल है ये भी रेशनल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं इसका एक एग्जांपल जैसे हम देख पाए जीरो पॉइंट थ्री 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 एंड सो ऑन तो यहाँ पर जो थ्री 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 नंबर है वो रिपीट हो रहा है बार बार और जब हम इसे फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखते हैं जैसे आप डिवाइड करके देखेंगे वन बाई थ्री को जब हम डिवाइड करते हैं वन डिवाइडेड बाई थ्री तब आपको रिजल्ट मिलता है वो मिलता है जीरो पॉइंट थ्री 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 एंड सो ऑन तो जो ये नंबर है थ्री डेसिमल्स के बाद वो ना तो कभी रुकता है और ना ही ये क्या है कभी जो है ये बार बार रिपीट होता है तो इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स एंड वन बाई थ्री को जैसा हमने पहले डेफिनेशन रेशनल नंबर की पढ़ी थी कि क्या रेशनल नंबर विच कैन रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो तो वन बाई थ्री में वन और थ्री दोनों ही इंटीजर्स हैं और जो इसका जो डिनोमिनेटर है क्यू जिस जो इसमें फ्रैक्शन में थ्री है वो जीरो भी नहीं है तो वन बाई थ्री हमारा रेशनल नंबर है जो हम डेसिमल एक्सपेंशन में देख पाते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल है जी तो ऐसे में सर स्टूडेंट डेसिमल के बाद के कितने प्लेसेस की वैल्यू दें सो देट उनका आंसर भी कंप्लीट माना जाए और उनके मार्क्स भी डिडक्ट ना हो बिल्कुल

प्राप्त होती है जो इसी का जो हम जो थर्ड आगे मूव करते हैं दो टाइप्स में से जो थर्ड टाइप्स है इसका उसकी बात करते हैं हम वो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स जो अभी तक हमने दोनों टाइप पढ़े वो रेशनल नंबर्स की कैटेगरी में आए थे जैसे हमने पहले टाइप हमने पढ़ा वो था टर्मिनेटिंग uh, डेसिमल्स वाला और दूसरा था नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल अब जो हमारा जो थर्ड टाइप है वो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसीमल्स तो जैसे ही इसके नाम से पता चल रहा है कि जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल है वो ऐसे डेसीमल है जो ना तो कभी टर्मिनेट होते हैं और ना ही कभी उनके अंदर जो नंबर है वो रिपीट होता है जैसा एग्जाम्पल में से हम देखते हैं एक बार नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसीमल्स आर वन ऑफ द टाइप्स ऑफ डेसीमल एक्सपेंशन इन which द नंबर आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड द decimal नंबर आर नॉट रिपीटिंग जैसा example है ट्वेंटी थ्री पॉइंट वन थ्री फोर एंड एंड शो ऑन तो आप देखेंगे डेसिमल के बाद में कोई भी नंबर आपका रिपीट नहीं मिलेगा हुँ. जैसे वन थ्री फोर टू सिक्स सेवन एट ऐसे ही एक और फर्दर एग्जांपल है जब हम पाई की वैल्यू को जब हुँ. हम एक्सपेंड करते हैं तो वैल्यू है थ्री पॉइंट वन फोर वन फाइव नाइन टू तो ये ट्रिलियंस प्लेसेस तक आप जो इसके प्लेसेस डेसिमल वैल्यू को ले जा सकते हैं लेकिन ये कभी भी नंबर पाई की वैल्यू कभी भी रिपीट नहीं होगी तो इस टाइप के नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिपीटिंग है वो इरेशनल नंबर कहलाते हैं जैसे रूट टू है वन पॉइंट वन वन फोर और टू वन थ्री पॉइंट 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 सो ऑन मूव करती है तो ये जो वैल्यू है रूट टू की वैल्यू हो गई पाई की वैल्यू हो गई तो इस टाइप की जितनी भी कैटेगरी वो है हमारी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर इन्हें नाम से जाना जाता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग जो बार बार नहीं आते हैं हुँ. तो इस टाइप की जो कैटेगरी के जो नंबर है वो सारे नंबर हमारे कहलाते हैं इरेशनल नंबर इरे अब बच्चों आपके कीवर्ड्स पर चलते हैं आपने इस चैप्टर के माध्यम से तीन नए कीवर्ड्स तीन नए शब्द सीखे हैं उनको जानते हैं ये है रेशनल नंबर प्राइम नंबर इंटीजर्स। तो अब बारी है आपके होमवर्क की तो सर से जानते हैं बच्चों के लिए क्या होमवर्क है आज के सत्र के लिए होमवर्क में जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन तो जैसे ये क्वेश्चन है इसके अंदर हमें को हमें को नंबर लाइन पर लाई करके दिखाना है मैग्नीफाई करना है विजुलाइज करके दिखाना है तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे जो बाकी जो जैसे इंक्लूसिव सेटअप की हम जब बात करते हैं तो जो बच्चे विजुअली इंपेयर हैं तो उनके लिए ये कर पाना जो है काफी डिफिकल्टिंग और Uh, मुश्किल भरा है तो इसके लिए हम इसके लिए अडेप्ट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को या मॉडिफाई कर सकते हैं वो क्वेश्चन हो सकता है इसके लिए हम दे सकते हैं कि नंबर थ्री पॉइंट सेवन सिक्स फाइव हैज विस टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन तो बच्चा बता सकता है कि इसका किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन होगा ऐसे ही हम मूव करते हैं सेकेंड क्वेश्चन के बारे में हुँ. तो सेकेंड क्वेश्चन है वो है वाट इज द प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल एंड एन इरेशनल नंबर तो इसी का हम मॉडिफाइड हम दे सकते हैं बच्चे को किसी भी उसमें एम सी क्यू टाइप में जो है हम क्वेश्चन दे सकते हैं जिसको बच्चा इजिली जो है चूज कर सकता है इसका ऑप्शन और क्वेश्चन दे रखा है हमने सेकेंड मॉडिफाइड फॉर्म में व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ अर रेशनल एंड इरे नंबर और इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए आलवेज एन एंटीजर ऑप्शन बी ऑलवेज आ रेशनल नंबर ऑप्शन सी ऑलवेज एन इरेशनल इरेशनल नंबर एंड एंड डी मूव करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन के बारे में जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा वो है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल नंबर एंड स्टेट वॉट एक्सपेंशन इट इज हमें है. इनके डेसिमल नंबर का जो एक्सपेंशन लिखना है पहला ऑप्शन है फोर्टी बाई हंड्रेड सेकेंड है नाइन बाई टेन एंड थर्ड है नाइन बाई थर्टी सेवन इसका हमने मोडिफाइड फॉर्म में जो हमने जो इसका वो दिया है वो है मोडिफाइड होमवर्क में एक्सप्रेस वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स तो ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में क्वेश्चन दे रखा है और स्टेटमेंट है हमारी एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर जी तो अब आप जान लें कि आपको अपना ये होमवर्क कैसे हमें सबमिट करना है इसके लिए आपको सबसे पहले अपना नाम देना है नेक्स्ट आपको क्लास अपनी देनी है स्कूल नेम और एड्रेस देना है एक्सपर्ट और टीचर नेम में आप मिस्टर नवदीप पाठक डालें और समय डालें दो बारह से बारह तीस और आज की डेट के साथ आप आज के सेशन की डेट के बाद फोटोग्राफ दे सकते हैं ये ऑप्शनल है आप चाहें तो दें या ना दें इसके अलावा आपको ये होमवर्क अब सेंड करना है डी टी एच डॉट क्लास नाइन एट द रेट सी आई ई टी डॉट एन आई सी डॉट आई एन पर तो समावेशी कक्षा का ये जो सत्र था मैथेमिक मैथेमेटिक्स का समय हो चुका है कि इसको ख़त्म करें लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहूँगी ख़त्म करने से पहले नवदीप पाठक सर का जो एक स्पेशल एजुकेट है और मैथेमेटिक्स के इस सत्र को कक्षा नौ के बच्चों के लिए आपने बहुत खूबसूरती से बहुत अच्छे तरीके से सरल शब्दों में समझाया सर नमस्कार धन्यवाद इसके लिए मैं साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर अनुष्का का भी हमारे सत्र के लिए धन्यवाद करना चाहूंगी एक जरूरी सूचना जो ई कंटेंट कॉम्पिटिशन से रिलेटेड uh, है ये आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रही है मैं आपको बताना चाहूँगी और हमें बहुत खुशी हो रही है इस कॉम्पिटिशन के बारे में आपको बताते हुए सी आई टी एन सी आर टी इस वर्ष के लिए अखिल भारतीय बच्चों की शैक्षिक ई e कंटेंट प्रतियोगिता की घोषणा कर चुका है यदि आप एक शिक्षक हैं शिक्षक प्रशिक्षक हैं छात्र या स्वतंत्र शैक्षिक ई e कंटेंट निर्माता हैं तो आप प्रतियोगिता के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ ई e कंटेंट भेजने के लिए आमंत्रित है अधिक जानकारी और प्रवेश पत्र के लिए कृपया सीआई टी की वेबसाइट देखें अथवा स्क्रीन पर दिखाए जा रहे क्यू आर कोड को स्कैन कर, कर भी आप वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं आपकी एंट्रीज भेजने की लास्ट डेट रहेगी 10 जनवरी 2024 तो चलिए समय है कि टीचिंग लर्निंग इंटरवेंशन फॉर इंक्लूसिव क्लासरूम को यही खत्म किया जाए लेकिन दो बजे हमारा एक और सत्र होगा ये होगा कक्षा तीन के बच्चों के लिए ई का सत्र जहाँ हम जानेंगे स्टोरी ऑफ फूड तो यूं ही जुड़े रहें सी आई टी एन सी आर टी के सभी सत्रों के साथ मैं सृजन राजपूत आप सबसे लेती हूं अनुमति नमस्कार